आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी भक्त अक्षय तृतीया पर बिहारी जी के चरणों को दर्शन करते हैं, शरद पूर्णिमा पर बंसरी के दर्शन करते हैं और हरियाली तीज पर बिहारी जी खुद झूले पर विराजमान होते हैं, उसके आप दर्शन करते हैं। वो भी कुछ दिन पहले आपने दर्शन किए होंगे अभी, क्योंकि हाल ही में अभी हरियाली तीज गई थी। जैसे बिहार पंचमी, होली उत्सव और जैसे अन्य त्योहार है जो साल में एक बार मनाए जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर में और इन सभी त्योहारों की मान्यता बिहारी जी के चमत्कारों से जुड़ी हुई है। जैसे माना जाता है बिहारी जी लीला करते गए वृंदावन में, उसी प्रकार त्योहार बनते गए, इसी प्रकार परंपरा बन गई। उसी में से एक त्योहार है बिहारी जी की मंगला आरती, जो वर्ष में केवल एक बार ही की जाती है, वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात को 2 बजे। इसका बहुत बड़ा कारण है जो आप सभी भक्तों को जानना जरूरी है। बिहारी जी की मंगला आरती दर्शन के लिए देश विदेश से लोग शामिल होते हैं, जो तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो घटना कुछ इस प्रकार सुनने को आई है। एक समय की बात है, बिहारी जी का एक भक्त आया था, वह बहुत ही पक्का भक्त था उनका। उनके दर्शन करने वृंदावन में तो उस भक्त को दर्शन करके एवं कुछ दिन रहकर बहुत आनंद आया। भक्त बिहारी जी के रोज दर्शन करने लालच में वहीं रुक गया। दर्शन करने के बाद उस भक्त के मन में भाव आया कि बिहारी जी की किसी तरह मुझे सेवा करने को मिल जाए, मन और भी आनंदित हो जाएगा। भक्त यही सोचता रहा उसे बिहारी जी की सेवा करनी है। भक्त मंदिर की परंपरा के बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी भक्त ने मंदिर के सेवायत गोस्वामी जी से सेवा मांगी, तो उन्होंने कहा, आप क्या सेवा कर सकोगे? यहाँ केवल वंश प्रथा के गोस्वामी ही सेवा कर सकते हैं। भक्त ये सुनकर उदास हो गया और मंदिर से बाहर चला गया। भक्त दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने फिर आया और फिर सेवायत से पूछने लगा, मुझे सेवा दे दो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर बिहारी जी को छोड़कर घर वापस नहीं जाऊँगा। तो सेवायत गोस्वामी जी ने भक्त के भाव को देखा तो उन्हें दया आ गई, तो उन्होंने बिहारी जी के मंदिर के गेट पर रात की चौकीदारी लगा दी। भक्त काफी खुश हो गया और पूछने लगा, गोस्वामी जी, मुझे यहाँ क्या काम करना होगा और इसमें क्या करना है, आप मुझे बता दीजिए। गोस्वामी जी ने भक्त को समझाया कि आपको ये ध्यान रखना है कि रात को मंदिर बंद होने के बाद कोई ना आए बाहर मंदिर से, ना अंदर कोई जाए, और सुबह जब मंगला आरती हो तब आप आरती के दर्शन करके आराम करने चले जाना, बस इतना ही काम है। भक्त में बड़े भाव से सेवा स्वीकार की। भक्त को ऐसा सेवा करते हुए कई वर्ष बीत गए। वह दिन पर दिन वैसे ही रोज सेवा करता वो से वर्ष बीतते गए। जब उसने सेवा देना शुरू की थी वह तब जवान था, अब वह उसकी उम्र जो है बढ़ती जा रही थी, वह बूढ़ा होता जा रहा था। तो एक बार भक्त देखता है एक बालक अंदर से बाहर निकल रहा है। समय करीब रात्रि के 12-1 बजे का था, लेकिन कौन है उसको ये नहीं दिख रहा था, बस ये दिख रहा था कि एक बालक बाहर निकल रहा है। ऐसे ही एक रात, दो रात, तीन रात हो गई। वह 3 रातों से ऐसे ही बाहर जा रहा था। वो भक्त 3री रात्रि को बालक के बाहर निकलते ही उसका पीछा करने लगा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा।
कुंज गली से होते हुए निधिवन के पास पहुंचे और वो बालक निधिवन में प्रवेश कर गया। ऐसा उस चौकीदार को लगा, तो चौकीदार वहीं बैठकर उस बालक के बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उस भक्त को बंसी की धुन सुनाई दी जो बहुत ही मधुर थी। वह बहुत आनंदित हो गया था, तो भक्त जो है कान लगाकर सुनने लगा। साथ साथ उसको पायल की छम छम की सुनाई आवाज देने लगी। उसको बहुत आनंद आ रहा था यह सब सुनकर। वह पूरा धुन में मगन हो गया था, तो उस भक्त से रहा नहीं गया और भक्त चुप चुप कर निधिवन में प्रवेश कर गया, ये देखने के लिए कि इसमें क्या हो रहा है इतनी रात को, जो आवाज आ रही है ऐसी। इस तरह वो भक्त झाड़ियों में बैठ गया चुपके से और चुपके चुपके देखने लगा। और तभी उसी ने देखा कि गोपियां साथ श्यामा रास कर रहे हैं। भक्त रोते हुए काफी देर तक रास के दर्शन करता रहा। तभी भक्त क्या देखता है कि रास करते हुए बिहारी जी की पायल टूट गई। तभी भक्त वह अपने पास छुपाकर रख लेता है। रात भी काफी थी और पेड़ों पर ओस जम रही थी, जिससे वह भक्त भीग गया था और वह कपकपाने लगा था। तो बिहारी जी कहते हैं कि लगता है हमें कोई छुपकर देख रहा है, और वो देखते हैं तो वह चौकीदार निकला। तभी बिहारी जी कहते हैं कि बाबा आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो मंदिर परिसर में होना चाहिए था, और आपको पता है यहाँ पर रात को इंसानों का आना मना है। तभी भक्त कहता है हे प्रभु, मंदिर से आपका पीछा किया कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता था कि आप कौन हैं जो रात्रि को ऐसे निकल रहे हैं मंदिर से। आप तो आपकी बंसरी सुनकर मुझे रहा नहीं गया, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो, अब कल से मैं नहीं आऊँगा। तो बिहारी जी भक्त से कहते हैं बाबा आप ने जो भी यहाँ पर देखा आप किसी को नहीं बताना। इतना होने के बाद भक्त बिहारी जी से मंदिर वापस चलने को कहता है। तभी बिहारी जी कहते हैं बाबा मैं बहुत थक गया हूँ, आप मुझे गोद में ले लो, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। तो उस भक्त की आंखों में आंसू आ गए, उसने बिहारी जी को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और मंदिर में लेके जाकर उतार दिया वहाँ पे। उसी की थोड़ी देर बाद 3:30 बजे से वायद गोस्वामी जी मंगला आरती करने मंदिर में आते हैं। तो चौकीदार कहता है आप सभी कहाँ जा रहे हैं। ऐसे वायद कहते हैं क्या हुआ बाबा, आपको पता नहीं है मंगला आरती का समय हो गया है। तो तभी चौकीदार कहता है गोस्वामी जी आपको जरा भी शर्म नहीं आती, आप बिहारी जी को सारा दिन खड़ा रखते हैं भक्तों को दर्शन कराने के लिए, बिल्कुल भी बिहारी जी को आराम नहीं करने देते हैं, सुबह स्नान कराना श्रृंगार कराना उसके बाद भोजन, बस वह पूरा दिन खड़े ही रहते हैं, आप उनको इतनी जल्दी उठा दोगे, वह अभी सोए हैं वह थक जाएंगे। गोस्वामी जी कहने लगे क्या कह रहे हो, वह भक्त को डांटने लगे। तो चौकीदार रोते हुए कहता है आपको पता नहीं है बिहारी जी निधिवन में रोज रास करने जाते हैं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से आज दर्शन किया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं अच्छा तो बताओ फिर मेरे ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, अगर तुमने उनके दर्शन करे हैं तो तुमने देखा होगा वह कैसे दिखते हैं। तो वह सब बताते हैं जो भी उन्होंने देखा कि वह कैसे रास कर रहे हैं, उन्होंने मुकुट धारण करा हुआ है, पायल पहनी है पैरों में, हाथ में कंगन, गले में इतना बड़ा हार, वह सब वो चीज़ें बताते हैं जो उन्होंने देखी होती है। फिर वो उनको वो पायल दिखाते हैं जो उनको वहाँ मिली थी निधिवन में, जो रास करते हुए टूट गई थी। तो गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए, अरे ये तो वही सच में बिहारी जी की ही है। और कहते हैं बाबा आपकी भक्ति धन्य है, आपने अपनी आंखों से वो दर्शन पाए हैं जिसे कोई नहीं पा सकता। तो
बिहारी जी निधिवन में रास करने जाते हैं, वह वहाँ थक जाते हैं रात को, तो वह सुबह 8 बजे तक रोज सोते हैं, इसलिए तब से ही मंगला आरती रोज होना बंद हो गई। वह सिर्फ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रात को 2 बजे ही होती है। कई मंदिरों में होती है मंगला आरती अभी भी रोज, किंतु बिहारी जी के मंदिर में सिर्फ वह जन्माष्टमी पर ही होती है। कहा जाता है कि मंगला आरती करने से बिहारी जी के पूरे साल की जितनी भी नज़र लगी होती है, उनकी जितनी भी लीलाएं होती है, वह सब दूर हो जाती है मंगला आरती से। तो देखा आप लोगों ने हमारे प्रभु की लीला कितनी प्यारी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे।